Assalamualaikum and welcome back guys. तो कल हमने किया था last हमने जो हमारा lecture end किया था वो हमने किया था quadratic and cubic equation. तो आज हम start करते हैं graph से, ठीक है? तो ये simultaneous equation जो मैंने उस दिन लिखी थी वही है same, ठीक है? तो graph हम कैसे बनाएंगे? Graph के लिए मैं आपको book से जो है ना एक example दे देता हूँ, ठीक है? Graph plot हम कैसे कर सकते हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कहा जाता है कि विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस. तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आप ग्राफ के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ग्राफ के जरिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आइए आज हम ये कर लेते हैं. हमारे पास इक्वेशंस में यहाँ से कल वाली दो इक्वेशंस मैंने ली थी उसी को मैं उठा देता हूँ, ठीक है? इक्वेशंस मेरे पास थी टू एक्स प्लस ठीक ये एग्जांपल हमने कल लिया था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक ये इक्वेशन वन थी. और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, ये थी हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है? तो इन इक्वेशंस का हमने कल जो सॉल्यूशन निकाला था मेरे ख्याल से वो सॉल्यूशन आया था, मैं बुक से देख लेता हूँ. एक x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है? सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया था, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये इसका सॉल्यूशन था इक्वेशन का. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. ग्राफ के जरिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ग्राफ के लिए सबसे पहले देखें आप क्या करेंगे. मैं आपको पहले बता दूं कि ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, ठीक है? ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो ग्राफ हमारे पास जो होता है सिंपल वो इस तरह से होता है. एक हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं ग्राफ में, ठीक है? अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ग्राफ पे भी कंप्लीट एक लेक्चर दे दूंगा, वहां पे आपको क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है? कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं और कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी मैं आपको करवा देता हूँ. अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो मैं आपको डीप में भी करवा दूंगा ये, ठीक है? तो ग्राफ हम यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा, ठीक है? अब ये मेरे पास होता है, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ में होता है y एक्सिस और यहाँ पे हमारे पास होता है y प्राइम मींस नेगेटिव. यहाँ पे y की सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और इस तरफ से हमारे पास होता है x पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास होता है x नेगेटिव. यहाँ पे x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और इस तरह से x की नेगेटिव वैल्यू जाएगी. ये जो पॉइंट होती है, ये जो पॉइंट, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है? ओरिजिन या सेंटर पॉइंट कहते हैं. अब ओरिजिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट 0, 0 पॉइंट होती है. यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है? तो ये एक किस्म का ग्राफ होता है, ठीक है? इसमें हमारे पास ओरिजिन पे जो पॉइंट होती है वो 0, 0 होती है, ठीक है? बाकी इस तरफ से राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है. अपवर्ड में हमारे पास y एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में हमारे पास जो y एक्सिस है वो नेगेटिव होता है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे अगर इक्वेशंस को ड्रॉ करना चाहूँ, मतलब देखिए सबसे पहले एक और चीज याद रख लें, जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास ऑलवेज जो लाइन, एक ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगी लीनियर इक्वेशन की हमारे पास, ठीक है? लेकिन हम जब बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, एक कर्व बनेगा, ठीक है? क्यूबिक का उसके हिसाब से अपना होगा, ठीक है? तो इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं इस लाइन को तो मैं कैसे करूंगा इस लाइन को ड्रॉ, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं पहली एक लाइन को उठाता हूं. लेट्स सपोज मैंने उठाया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 को उठाया मैंने. अब यहां पे मैं क्या करूंगा, x की कोई भी एक नंबर की वैल्यू मैं अपने हिसाब से पुट करूंगा, दूसरा वैल्यू मुझे वहां से मिलेगा. पहले तो मैं इसको इंडिपेंडेंट करूंगा. अगर मैं यहां से x इंडिपेंडेंट करना चाहूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 7, ठीक है, माइनस 3y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. अब ये मुझे मिली x की वैल्यू. अब आप क्या करें, इमेजिन करें अपनी मर्जी से x की कोई भी वैल्यूज उठाएं, 0 से या माइनस से, जहां से भी लें. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप माइनस 2 से लेके प्लस 2 तक वैल्यूज उठाएं ताकि हमारी जो लाइन बनेगी वो एग्जैक्ट बनेगी, उसमें माइनस प्लस दोनों वैल्यूज आ जाएंगी. तो अगर मैं यहां से x की वैल्यूज उठाऊं, मैं कहता हूं
एक्स की वैल्यूज यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ये इमेजिनेशन के लिए, एक्स की वैल्यूज में उठाता हूँ माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन और टू, ठीक है। अब इस वैल्यूज पे आप देखें आपके पास वाई क्या आता है, आप वो वहां पे पुट करते जाएं, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू मैंने ये इसको निकाला एक्स के लिए, सॉरी अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो उसको मैं वाई को सिंप्लीफाई करूँ, वाई को मैं सेपरेट रखूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें से मुझे x में पुट करूंगा y मुझे मिलेगा। तो y के लिए मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 7 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी 7, ये उस तरफ चला गया माइनस 2x डिवाइडेड बाय ये 3 आ जाएगा। अब जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 पुट करी तो माइनस 2 पुट जब मैं करूंगा तो ये माइनस 2 एंड माइनस 2 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस 2 जब मैंने इस पे पुट की माइनस 2 माइनस 2 प्लस का 4 हो जाएगा, तो 7 प्लस 4 11, 11 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जब मेरा x है माइनस 2 तो y वहाँ पे क्या है 11 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू माइनस 2 पुट करूँ यहाँ पे माइनस 2 पुट करूँगा x की वैल्यू तो y मेरे पास क्या आएगा माइनस 2 सॉरी माइनस 1, तो माइनस 1 करूँगा तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 1 के साथ तो ये 2 बनेगा प्लस का, 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 को डिवाइड करें 3 पे, 3 से 9, तो यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा 3 मिलेगा। इसी तरह से मैं जब 0 पुट करूंगा, 0 पुट किया तो ये सारी इक्वेशन 0 बन गई, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 7 बाई 3, ठीक है। इसी तरह से जब मैं 1 पुट करूंगा, 1 पुट किया तो मैंने यहाँ पे ये मेरे पास जो हो जाएगा माइनस का 2, 5 बचा 5 बाई 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा 2 प्लस का है, ठीक है, ये 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 7 माइनस 4 3 3 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, जब मेरे पास x माइनस 2 था तो वहाँ पे y 11 अपॉन 3 है, जब x मेरे पास माइनस 1 था तो y 3 था, जब x 0 था तो y 7 अपॉन 3 था, जब x 1 था तो y 5 अपॉन 3। अब इस वैल्यूज को हम जो है ना यहाँ पे इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे इस लाइन पे ड्रॉ, यहाँ पे मैं वैल्यूज अपने नंबर्स में दूंगा, यहाँ पे मेरा ये है माइनस माइनस 1, ये माइनस 2, ये माइनस 3, ये माइनस 4 और ये माइनस 5। इस तरह से यहाँ पे जब मैं आऊंगा ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरह से यहाँ पे आऊंगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। इस तरह से यहाँ पे आऊंगा 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा यहाँ पे हम स्केलिंग का जो है ना हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। स्केलिंग का ख्याल कैसे रखना पड़ेगा, जैसे देखिए ना ये मैंने कोई बॉक्स छोटा बना दिया कोई बड़ा बना दिया तो ये मैटर करता है, ठीक है। बहरहाल हम इसको अभी ड्रॉ करते हैं तो 3 पॉइंट इसको मैं कर देता हूँ 3.5 कर देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ पे इस जगह पे 3.5, मेरे ख्याल से ये 3 है तो 3.5 इस जगह पे कहीं पे होगा। तो माइनस 2 पे मेरे पास आंसर क्या आता है 3.5, तो ये मेरा आंसर यहाँ से अगर मैं माइनस 2 है x की वैल्यू तो ये माइनस 2, ठीक है, माइनस 2, माइनस 2 x का है, माइनस 2 से मेरे पास कितना जाएगा 3.5, तो इसको मैं ले आऊंगा इस तरफ, मतलब ये वाली पॉइंट मेरे पास बन गई। अब यहाँ पे क्या था मेरे पास x की वैल्यू क्या थी, अब इसको हम कोऑर्डिनेट में जब रखेंगे तो पहले हमेशा x आएगा और उसके बाद y आएगा, ठीक है। इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं करते, इसको मैं सिर्फ 7 तक ही रख लेता हूँ, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अब पहले क्या था x मैंने जब माइनस 2 पुट किया तो y मेरा क्या आया वहां पे 3.5, अज्यूम किया मैंने 3.5, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं जब x की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस 1 है तो वहां पे मेरे y की वैल्यू क्या 3 है, x की वैल्यू मेरे पास माइनस 1 है तो यहाँ पे मैं जाऊंगा ये माइनस 1 है और y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3, तो ये वाली पॉइंट मेरी, ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस 1 कामा 3, ठीक है। इसी तरह से दोबारा जब मैं इसको देखूंगा तो 0 पे मेरे के 7 अपॉन 3, 7 मतलब 2, 3 सा 6 होता है, ठीक है, तो 2.5 कर लेते हैं इसको, मतलब ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, तो ये कब आएगी 0 पे आएगी। अब 0 मेरा कहाँ है, ये 0 है, 0 पे मेरी कितनी वैल्यू है 2.5, तो ये 0 का मान 2.5, ठीक है। उसके बाद 1 पे कितनी है 5 अपॉन 3, तो 1 3 सा 3, 2 3 सा 6 होता है, तो 1.5 होगा। तो मतलब ये जब 1 पे आया मैं तो ये वैल्यू इस पॉइंट या ये पॉइंट मेरी इस जगह पे आएगी जब हम 1 पे हैं, ठीक है। तो अब ये स्केलिंग का थोड़ा मसला है, ठीक है, इसको मैं ये मेरी वैल्यू जो आएगी यहां से
इस जगह पे मेरी ये पॉइंट आएगी, ठीक है। उसके बाद जब मेरा 1, 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो वहां पे मेरा y क्या है, 1 है, तो ये कहां पे आएगी, यहां से अगर मैं देखूं, यहां से और यहां से, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी इस जगह पे। अब यहां पे मेरा क्या था, x क्या था 2 था, y क्या था 1 था, और इसी तरह से यहां पे मेरे पास x था 1 और y था 1.5, ठीक है। अब इसको मैं ड्रॉ करूं इस लाइन को, तो ये लाइन मेरी कैसे कैसे बनेगी, इसको आप डॉट को खुद से मिला दें, तो ये लाइन जो है ना, अब यहां पे थोड़ा ये इशू है, ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, ये अप टू सो ऑन ऐसे चलती जाएगी इनफिनिटी टाइम्स, ठीक है। तो एक लाइन जो हमारी बनी वो इस तरह से ऐसे बनी, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट लाइन 2x plus 3y की। इसी तरह से मुझे दूसरी लाइन भी ड्रा करनी होगी 3x minus 4y की। तो उसको हम कैसे ड्रा करेंगे, हमारी इक्वेशन है 3x minus 4y is equal to 2। अब इसको भी हम इसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यूज अपनी तरफ से पुट करेंगे, x और y, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं x को जिस तरह से यहां पे मुझे y इंडिपेंडेंट चाहिए था, यहां पे भी मैं y को इंडिपेंडेंट करूंगा, तो ये 2, ठीक है, y को इंडिपेंडेंट करूंगा, तो मेरे क्या हो जाएगा कि 3x minus 2, ठीक है, इसको इस तरफ ले, इस तरफ उसको इस तरफ लेगा, डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास क्या आएगा, y, ठीक है। अब वैल्यूज में वही पुट करता हूं, minus 2 minus 1 0 1 and 2, ठीक है। अब x जब मैं minus 2 पुट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4, तो माइनस का 2 आएगा आंसर, तो यहां पे माइनस का 2 आंसर आया, ठीक है। कैसे, यहां पे जब मैंने 2 पुट किया माइनस का, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 और माइनस 6 माइनस का 8, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, ठीक है, तो 2 किसका है, माइनस का है। इसी तरह से जब मैं 1 पुट करूंगा यहां पे, तो 1 पुट करूंगा यहां पे, तो ये मेरे पास माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1 मतलब माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। उसके बाद जब मैं 0 पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, ये सारा का सारा 0 बन जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 0.5, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहां पे 1 पुट करूंगा, अब जब मैं 1 पुट करूंगा ये 3 बन जाएगा, 3 माइनस 2 1 by 4, तो यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 by 4। इस तरह से जब मैं यहां पे 2 पुट करूंगा, 6 बन जाएगा, 6 minus 2 4 divided by 4, तो यहां पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशंस, ठीक है। अब ये मैंने सिंपली यहां पे क्या किया था, जैसे मैंने यहां पे किया था, सेम उसी तरह से मैंने एक इक्वेशन उठाई, ये मैंने इक्वेशन 2 उठाई, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा था कि आप इमेजिनेशन ना करें, कोई भी वैल्यूज x की उठाएं, मैंने उठाई है माइनस 2 से 2 तक, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्यूरेट वैल्यूज देता है हमें, तो माइनस 2 से 2 तक मैंने उठाई थी वैल्यूज, ठीक है। उसके हिसाब से मुझे y, मैंने यहां से y सेपरेट किया और y में x की वैल्यूज पुट करता कि मुझे y मिलता है और वो वैल्यूज यहां पे है मेरे। अब इसको भी मैं ग्राफ पे ड्रा करूंगा, कैसे करूंगा, देखिए x की वैल्यू जो मेरे पास माइनस 2 है ये वाली, तो वहां पे मेरे पास y की वैल्यू क्या है, -5/4, -5/4 मतलब 4 की टेबल में 5 भी लगाऊं तो 1 दफा लगेगी, तो 1.2 कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो ये मतलब कहां पे आएगी, -2 पे मेरे पास आता है -1.2, तो यहां से आया ये वैल्यू -2 -1.2, ठीक है। दूसरी पॉइंट मेरे पास क्या है, -1 पे 5 बाय सॉरी -2 पे -2 ही वैल्यू है, गलती हो रही है बार-बार, -2 पे -2 ही वैल्यू, ये -2 और ये -2, -2 का -2, ठीक है। अब हम आते हैं -1 पे, -1 पे मेरे पास क्या है, -1.4, यहां पे आ जाते हैं -1 और ये वैल्यू यहां पे, तो -1 -1.2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये दूसरी पॉइंट मेरी, ये पॉइंट एक, ये पॉइंट, उसके बाद मेरा 0 पे क्या, 0.5, 0 ये है मेरे पास x का, अब यहां पे मेरे पास क्या माइनस का 0.5, तो मतलब ये वैल्यू मेरे कहां पे, यहां पे ये वाली जगह, ठीक है, 0, -0.5, ठीक है। इस तरह से दोबारा अगर मैं देखूं 1 पे क्या है 0.24 और 0.1/4 है तो मतलब 0.25, तो जब मैं 1 पे आया तो 0.25 पॉजिटिव का मतलब ये इस जगह पे ये पॉइंट होगी मेरी, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या था 1 x की वैल्यू 1 थी और मेरे पास थी ये 1.4, ठीक है।
उसके बाद अगर दूसरी वैल्यू में देखूं, 2 पे मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है तो 2 पे मेरे पास क्या है, 1 है, तो यहां पे भी 2 पे मेरे पास 1 है, ठीक है। अब देखें, अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको भी मैं इसी तरह से ड्रॉ करता हूं, डॉट को हम आपस में मिला लेते हैं, ये लाइन मेरी यहां से स्टार्ट होगी, इसको टक, इसको कट किया, इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, और ये फिर ऐसे आगे कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एक लाइन मेरे पास यहां से ऐसे बनी और दूसरी लाइन में मेरे पास बनी वो ऐसे बनी, ठीक है। अब ये मैंने बनाया ग्राफ दो लाइंस का, अगर क्लियर नहीं है तो इसको मैं दोबारा बना लूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि ये अंडरस्टैंडेबल है, मैं एक और भी बना लूंगा ग्राफ का, क्वेश्चन कर लूंगा सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब ये मैंने इसके दो ग्राफ्स बना दिए, अब लाइंस बना दी, लीनियर है, लीनियर मैंने आपको कह दिया, उसकी सिंपल एक लाइन बनेगी, ठीक है, क्योंकि उस पर पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो उसकी लीनियर इक्वेशन की हमेशा एक लाइन बनेगी। दो इक्वेशन थी हमारे पास, दो इक्वेशन, दो लाइंस बनी, ये जो लाइन मेरे पास बनी ये बनी है इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है, और ये जो लाइन हमारे पास है ये लाइन है इक्वेशन 2 के लिए। अब इसका सोल्यूशन हम बाय ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, सोल्यूशन के लिए आप इसमें से एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे, कॉमन पॉइंट देखेंगे, जहां पे दोनों लाइंस मीट करती हो, जहां पे दोनों लाइंस मीट करती हैं वो वाली जो पॉइंट होगी वो हमारा सोल्यूशन होगा, वो हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगी। तो अगर इसमें मैं देखूं तो मेरी जो दोनों लाइंस मीट कर रही है वो इस जगह पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये वाली जो पॉइंट होगी, ये वाली जो पॉइंट होगी, इसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर लेता हूं, ये वाली जो पॉइंट होगी ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ये आंसर मेरा क्या होगा, इसको मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं तो यहां पे मेरे पास x और y दो थे, x कहां, y थे हमारे पास यहां पे, ठीक है। तो x y, x की वैल्यू हमारे पास ये इसका आंसर क्या 2,1 है, 2,1 इट मींस यहां पे मेरे पास जो x है वो क्या है 2 है और जो y है मेरे पास वो क्या है 1 है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा था, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 थी और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 थी। तो देखिए ये इसके साथ वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, तो इसमें इसके लिए हमने सही किया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे, ठीक है, ग्राफ के लिए। तो आप जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको ग्राफिकली करवा दिया, आई होप कि आई थिंक ये आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं एक और क्वेश्चन भी कर लूंगा, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। इसकी एक्सरसाइज ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा लूंगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई है यू कैन आस्क मी, ठीक है, और ग्राफ अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी इसको अच्छे से, यही ग्राफ अगर आपको समझना है तो मैं इसको भी अच्छे से एक बार बना के दोबारा आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, फिर हम आगे में हम करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।